सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहस करना केंद्र सरकार को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाई फटकार, मची अफरा तफरी। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के तय किए गए कानून के बावजूद मुद्दे पर बहस करने पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए 25,000 रुपये जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत का समय बर्बाद करने और केंद्र को उनकी गलती का एहसास करवाने के लिए यह बेहद जरूरी है। याचिका दाखिल करते हुए केंद्र सरकार ने बताया कि 1987 में केंद्र ने पठानकोट में हरभजन कौर की भूमि का अधिग्रहण 1400 रुपये प्रति मरला की दर पर किया था। इसके बाद हरभजन कौर ने इसके खिलाफ अपील दाखिल की और अदालत ने मुआवजा राशि में 30% अतिरिक्त बाजार मूल्य, 9% ब्याज पहले वर्ष और उसके बाद हर वर्ष के लिए 15% ब्याज तय किया था। इसके खिलाफ केंद्र ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जो खारिज कर दी गई। केंद्र की अपील खारिज होने के बाद निचली अदालत में आदेश का पालन करने से जुड़ी याचिका दाखिल की गई। वहां केंद्र ने दावा किया कि वे मुआवजा राशि पर ब्याज देंगे, अतिरिक्त बाजार मूल्य पर नहीं। निचली अदालत से राहत न मिलने पर हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई। केंद्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि अतिरिक्त बाजार मूल्य मुआवजे का हिस्सा है और ऐसे में इस पर ब्याज से इनकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में तय कानून के बावजूद केंद्र सरकार ने कोर्ट का समय बर्बाद किया और ऐसे में केंद्र को उनकी गलती का एहसास दिलाना जरूरी है। हाई कोर्ट ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।